हमास ने आग लगा दी। दोस्तों, आपको पता है कि हमास और इजराइल के बीच पिछले कई दिनों से एक भीषण युद्ध चल रहा है। आपको पता है कि 7 अक्टूबर की वो घटना कौन भूल सकता है, जब हमास ने अपने सारे शस्त्रों के साथ इजराइल पे धावा बोल दिया था। 7 अक्टूबर की वो रात इजराइल के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक रातों में से एक बन गई थी। उस रात में इजराइल ने अपने 1000 से ज़्यादा लोगों को खो दिया। उस रात एक बेहद दिलचस्प बात हुई। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि इसराइल में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पर इसराइल अपने न्यूक्लियर मिसाइल को दबा कर रखता है, वहां पर हमास पहुंच गया था। जी हाँ दोस्तों, यानी हमास की मिसाइलें पहुंच गई थी। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर इस रहस्य को आपको जानना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर की वो रात इसराइल के लिए दुनिया की सबसे बेहद खतरनाक रात थी। उस रात में इसराइल ने अपने 1000 से ज़्यादा नागरिकों को इस बेहद ही खतरनाक आतंकवादी घटना में खो दिया था। ये टेररिस्ट अटैक था, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। दोस्तों, 9/11 और 26/11 के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खतरनाक टेररिस्ट अटैक था। इसराइल का इतिहास बहुत ही खतरनाक है। होलोकॉस्ट से लेकर एंटी सेमिटिज्म तक इसराइल ने हमेशा से कई सारे थ्रेट्स फेस किए हैं। सबसे बड़ा थ्रेट है वो इस समय एक ऐसी भूमि पर रह रहा है जहां पर चारों तरफ से खतरे की आहट रहती है। यही कारण है कि इसराइल ने अपने आप को बचाने के लिए दुनिया की बेहद एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम किया और उन पे महारत हासिल करके यहां तक कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी विकसित करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए। दोस्तों, हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया था, तब अटैक में बहुत सारी मिसाइल थी जिसे हमास ने अटैक किया था, मगर इस अटैक में हमास ने इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया था और कहा जाता है कि यहां पर इसराइल ने मिसाइल छुपा रखी। दोस्तों, ये दिखाता है कि हमास ने इस बारी बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डायरेक्ट टारगेट किया था। यह अभी भी पता नहीं कि हमास ने सही मायने में उसी फैसिलिटी को टारगेट किया था या फिर वो इसराइल को क्षति पहुंचाना चाहता था। दोस्तों, अगर न्यूक्लियर मिसाइल तबाह हो जाती तो इसका इम्पैक्ट पूरे मिडल ईस्ट को झेलना पड़ता। आपको पता है कि अमेरिका ने सालों पहले जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, उसी दौरान जापान पर 2 परमाणु बम छोड़े थे। तब पूरी दुनिया को पता चल गया था कि परमाणु बम दुनिया में किस तरह की तबाही ला सकता है। पहली बार दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से जापान की पूरी आबादी एक झटके में तबाह हो गई थी। एक परमाणु बम से जापान के शहर तबाह हो गए। पूरी की पूरी आबादी जो है उन शहरों में रहती थी वो ख़त्म हो गई। जी हाँ दोस्तों, एक झटके में ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, चारों तरफ मातम ही था। दोस्तों, क्या होता अगर हमास मिसाइल अटैक जो है अगर इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी में गिर जाता, तो सच में वहाँ पर रखी हुई मिसाइल को अगर खतरा हो जाता तो इसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे अरब देशों को चुकाना पड़ता, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। दोस्तों, जिस जगह पर हमास ने अपनी बहुत सारी मिसाइलों से इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था, उस जगह का नाम था एशडोड बिस्मार्च। कहा जाता है कि इसराइल ने यहाँ पर सैकड़ों की तादाद पर मिसाइल छुपा रखी हैं और साथ साथ अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को भी छुपा रखी हैं। दोस्तों, इसराइल के बारे में आपको पता है कि इसराइल कभी भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल को दुनिया में उजागर नहीं करता। इसको उजागर करने के लिए कई बार इसराइल के खुद ही विसल ब्लोअर और अमेरिका के कई सारी सिक्योरिटी ऑफिशल्स और सैटेलाइट इमेजेस के एनालिसिस करने से पता लगा कि इसराइल के पास 20 से 25 न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकते हैं। इसका आंकड़ा जो है 50 तक भी बताया जाता है कई बार। और इन सारी मिसाइल की एक लोकेशन है जिसे कहा जाता है एशडोड मीचा, जहां पर हमास ने रिसेंटली बहुत ही बेहद खतरनाक मिसाइलों से अटैक किया था, मगर निशाना चूक गया। इस एशडोड मीचा इलाके में इसराइल ने भारी मात्रा में मिसाइल्स स्टोर किया गया था। दोस्तों, हमास ने इसराइल की इस साइड में अटैक किया था। दोस्तों, 7 अक्टूबर की रात को जब इसराइल ने हमास पर हमला किया था, तब इसराइल को भी नहीं पता था कि हमास इतने सारे रॉकेट से हमला करेगा और उस एरिया में रखे उसके अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इतनी सारी तादाद में आने वाली मिसाइल्स को रोक पाएंगे। हुआ यही कि इसराइल का हाईली एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इसे रोक नहीं पाया। वैसे आयरन डोम मिसाइल सिस्टम सिर्फ छोटी मिसाइल्स को रोकने के लिए बना होता है, और मगर इस बार आयरन डोम को चुनौती बहुत अधिक थी क्योंकि मिसाइल बहुत ज़्यादा तादाद में हमास ने छोड़ी थी। दोस्तों, अगर गलती से भी हमला इसराइल की न्यूक्लियर साइट पर गिर जाता तो आपको पता है क्या होने वाला होता।
अमेरिका के साइंटिस्ट ने काफ़ी खोजबीन करके और सैटेलाइट इमेजेस को एनालाइज करके एक खुलासा किया है। हमास ने वैसे तो इसराइल की मिलिट्री साइट्स को अटैक करना चाहा था, मगर हमास की कुछ ही मिसाइल्स इस इलाके में, जिसे एच डॉट मीचा कहा जाता है, उस पर गिर पड़ी और इसराइल की बेहद सिक्रेटिव साइट पर लगे स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम से इसकी रक्षा नहीं कर पाया। और हमास के साथ भी अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये मिसाइल 20 से 25 मील दूर गिरी, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही लो था। मगर जहाँ पर मिसाइल गिरी थी वहाँ के पास में जंगल भी आग लग गई थी। उस आग की लपटें जो है इसी एच डॉट मीचा की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उसी जंगल की आग को बुझाने के लिए इसराइल ने नज़दीक के सारे पेड़ काट दिए और खतरा टल गया, वरना ये बहुत खतरनाक हो जाता। इसराइल की डिफेंस फोर्स ने खुलासा किया कि ये साइट बेहद ही सेंसिटिव है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइल्स को रोक नहीं पाया और फ्यूचर में इसको और प्रोटेक्ट किया जाएगा। मगर इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ये जो मिसाइल अटैक हुआ था वो 20 से 25 मील दूर था इस साइट से, जहाँ पर इसराइल ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी में न्यूक्लियर मिसाइल्स को, जिसे जेरिकोस मिसाइल कहते हैं, उसको छुपा रखा था। दोस्तों, अगर इसराइल फुर्ती से स्टेप नहीं लेता और जंगल की आग को बुझाता ना, तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा होता है और हमास का मकसद आग लगाने का था वो पूरा हो जाता। दोस्तों, अब देखते हैं कि अभी और कितने दिन ये युद्ध चलने वाला है, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है और युद्ध में इसराइल ने ठान लिया है कि वो हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और साथियों, युद्ध का नियम होता है कि जितना भी जिस देश का मोराल सबसे हाई होता है, जीतता वही है। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।